पूरा रोड ही पानी के नीचे था, तो बारिश कितना था आपको पता है। कंटिन्यू रहा तो टायर से अंदर भी जा सकता है पानी। थोड़ा देर बारिश और कंटिन्यू हुआ ना उसके ऊपर से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वाले ब्लॉग में। तो ये रैंडम ब्लॉग है, पूरा का पूरा रैंडम ब्लॉग। कुछ प्लान नहीं था आज ब्लॉग शूट करने का, आज पूरा दिन घर पर ही रहने का प्लान था हमारा, बट कुछ काम आया तो वहाँ पर जाना पड़ा बाहर। और जहाँ पर गए वहाँ पर तो पूरा रोड ही पानी के नीचे था। आप देखो आगे वीडियो में पूरा रोड पानी के नीचे, देखना पूरा वीडियो। और मिलते हैं आपको। क्या है ये, क्या है मजा आ रहा है ना। इतना बारिश में घर पर ही रहो, घर से बाहर कोई निकलो मत। इतना धार बारिश चल रही है, इतना धार। हम तो काम से बाहर निकले थे, काम से भी बाहर निकले थे। अगर इस तरह देखो नीचे से पानी जाना चाहिए तो इसके इसके अंदर से पानी बाहर आ रहा है। खतरनाक है ना। इसके नीचे से पानी जाना चाहिए तो इसके ऊपर से पानी, मतलब उसके ऊपर से पानी आ रहा है। क्या ही बोले भैया। और थोड़ा देर बारिश और कंटिन्यू हुआ ना इसके ऊपर से बाहर पानी आ जाएगा। और ये शिव मंदिर देखो, और ये पानी देखो, यहाँ का तो ब्रिज लास्ट बारिश में पूरा टूट गया था। वो साइड का बाकी एक साइड ये थे, ये साइड मतलब ये साइड का टूट गया, वो साइड का है। इतना खतरनाक बारिश हो रहा है, इतना खतरनाक। और थोड़ी देर मतलब सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट पड़ता है, अगर और बारिश कंटिन्यू रहा तो
शायद से अंदर भी जा सकता है बारिश, इधर अपनी गाड़ी और बाकी सब लोग बारिश का मज़ा लेते हुए। भाई रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, घर पे जाओ सब लोग, रुको मत यहाँ पर। निकलते घर के लिए, होने दो, इंतजार करते रहना चाहिए भाई। जस्ट अभी अभी हम आए, 10-15 मिनट हुआ रहेगा, टी शर्ट भी अभी तक चेंज नहीं किया, वो गीला ही टी शर्ट है, तो गीला हुआ था बारिश की वजह से, रैंडम ब्लॉग था, थोड़ा संभल के लीजिए वो, मतलब आपने संभाला ही होगा पूरे ब्लॉग को, क्योंकि कुछ भी शूट हुआ है उसमें सीधा आड़ा टेढ़ा कैसा भी जैसा पॉसिबल हो वैसा शूट किया, क्योंकि बारिश कितना था आपको पता है। और दूसरी बात, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को शेयर भी करना और बेल आइकन को ऑन भी करना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।